जय माता दी। दर्शक कुमार, इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि, जनवरी माह 2020, नया वर्ष स्टार्टिंग होने जा रहा। और हिंदी के अनुसार जो नया वर्ष होता है चैत्र से होता है, कि अंग्रेजी के अनुसार जो नया वर्ष जनवरी माह प्रारंभ हो रहा, ये ऐसा आपके लिए कैसा रहेगा, आपकी कांक्षाएँ, आपकी कल्पना जो बनी हुई मन में। वृश्चिक राशि की जो साढ़े साथी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए दर्शकों। वृश्चिक राशि जो खुशखबरी है कि साढ़े साथी का जो प्रभाव चल रहा है 7.5 वर्ष है, वो 24 जनवरी को समाप्त हो जाएगा सुबह 10 बजे। ये बहुत ही उत्कृष्ट और कामयाबी के आपको शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि के अनुसार जो आप चाहते हो वो आपको अब मिलेगा, आपका राजयोग शुरू हो गया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो फेस्टिवल इस माह में तीर्थ त्यौहारों कैसे हैं, कब हैं, क्या करना है, जानते आइए। 10 जनवरी को पूर्णमासी है, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, व्रत रहें, इससे आपको शांति सफलता मिलेगी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। मकर में संक्रांति का मतलब होता है कि मकर में सूर्य प्रवेश कर गए मकर राशि में, ऐसी स्थिति में अपन मकर संक्रांति बनाते हैं, गंगा नहाते हैं और कम्बल इत्यादि और काला तिल, उड़द और गुड़ और क्या कह सकते हैं खिचड़ी का दान करते हैं, इससे आपको सफलता मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी, आपको शांति मिलेगी। 24 जनवरी को मौनी अमावस्या, इस दिन को भी व्यक्ति कोई मौन रहता है उसको बहुत साफ फायदा होता है। गंगा स्नान करें और पितरों का दान करें, पितरों को जो है धन दें, मतलब खाना पीना ब्राह्मणों को दान दें, दक्षिणा दें, उससे आपको शांति मिलेगी। 30 जनवरी को वसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा करें। सरस्वती पूजा के अनुसार जो विद्यार्थियों के लिए विशेष कर है वो ध्यान देना है, वो पूजा करें। स्टार्टिंग स्कूल जाना पहला दिन इससे शुरू करें, सरस्वती पूजा से, इससे आपको लाभ मिलेगा। और जो विद्यार्थी हैं जूनियर सीनियर, उनके लिए भी सरस्वती पूजा करना बहुत ही अनिवार्य रहेगा। वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल है, मंगल कलगन में विराजमान है, यहाँ मंगली दोष का निर्माण हो रहा इस माह। तो जो वृश्चिक राशि वाले किसी को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई भी उनका संबंध बन रहा, उनको बड़ा मेहरबानी संबंधी प्यार से बोलना है और मंगल दिग्बली होता है लग्न में, ऐसी स्थिति में क्या कि आपको सपोर्ट मिलेगा सरकार से और अच्छे जो लोग हैं आपको अच्छा कुछ नया करके इस माह देंगे सजा कर, जिससे आप प्रसन्न रहोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो 7.5 वर्ष हमारे अनुसार या ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिताए हैं साढ़े साथी के, वो आपके समाप्त होंगे। तो जाहिर सी बात है आपके अंदर एक मुस्कान, एक अद्भुत आकर्षण शक्ति बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन पंच ग्रहों का जो विराजमान है द्वितीय भाव में, कुटुंब में, धन भाव में, वहाँ जो विराजमान है सूर्य बुध शनि गुरु केतु, तो यहाँ पर क्या है कि ग्रहण दोष लगा हुआ है। तो कुटुंब से कोई आप जानकारी लें और कुटुंब की बात से ना बात माने, उससे आपको अच्छा लाभ होगा, उससे आपको हानि नहीं होगी। शुक्र आपके पराक्रम भाव विराजमान है, तो जो पराकाष्ठा से आप कोई काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसको आपको सफलता मिलेगी, कोई आपको हानि नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मकर राशि में शनि विराजमान हो जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे जनवरी में। तो सबसे बड़ा बात है कि जो मकर राशि के अनुसार शनिदेव आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं देखा जाए तो धनेश और सुखेश होते हैं, तो ऐसे में आपका जो है ना तृतीयेश और सुखेश होते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि शनि का आपका पूरा सुख मिलेगा और प्रसन्नता बनी रहेगी। दर्शकों, वृश्चिक राशि स्वामी मंगल होते, मंगल के लिए आप एक मूंगा रत्न धारण कर सकते हैं इटालियन देश का, उसके करने से आपको क्रोध नहीं आएगा, जल्दी जल्दी बोलना नहीं, आप कोई काम बिगड़ नहीं सकता है, आपके पेड़ की दिक्कत समाप्त हो जाएगी और आपको अपनी नौकरी में और व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात क्या है कि जो आप चाहते हैं कि राहु आपके अष्टम में विराजमान है मिथुन राशि में, तो आपको यात्राएं करने पड़ेंगी, उस यात्राओं के दौरान किसी को आप लालच में या किसी क्रोध में कोई काम ना करें जिससे आपको हानि होगी। जो भी यात्रा करेंगे बड़ा सावधानी से करेंगे, क्योंकि राहु अष्टम विराजमान से कभी क्या होता है एक्सीडेंट का भी कारक हो जाता है, वो दिक्कत दे देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई कुंडली का विवेचन करें तो सबसे पहले जाने समझें तब कोई काम करें, शादी का हो बिजनेस का हो, कोई कुंडली के अनुसार यदि कोई काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी, जाहिर सी बात है। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि कोई संबंध बिगड़ जाता है तो बाद में पछताना होता है, उससे पहले यदि आप जागृति जाग जाएंगे उसको पूर्ण रूप से समझ लेंगे तो आपको कोई ऐसी दिक्कत आगे नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात है कि वृश्चिक राशि के अनुसार जो आप कोई नया काम अब तक आपने नहीं किया, सोचते रहे, शौक में थे, डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे, वो टेंशन आपका समाप्त हो जाएगा, आपके लिए खुशखबरी है। आप हनुमान जी की पूजा करें, उनके करने से आपके मन में, साहस में, पराक्रम में एक अच्छा शुभ समाचार मिलेगा। इसलिए दर्शकों, समय का अभाव होता है, यदि कोई विशेष जानकारी आप चाहते हैं हमारे संस्थान से, हम आपको बताएंगे, हमारे नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भेजें जिसको अच्छा लगे और उनके भला होगा और आपका कामना सिद्ध होगा। जय माता दी। भूमि भवन वाहन धन संपत्ति शादी
व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद राम अवतार मिश्रा जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9650925716 0120410877। ईमेल आईडी है वैदिक ज्योतिष परामर्श 2004@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.astrovedic.com।